पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ है मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू विजिट। मतलब ऐसे टॉप 10 प्लेसेस हैं इंडिया के जहां पर इंडियन खुद भी नहीं जा सकते। तो यार मतलब कौन से प्लेस होने लगे हैं जहां पर इंडियन खुद नहीं जा सकते? तो हम कहाँ से जा सकते हैं? तो देखते हैं यार, मैं भी काफी मतलब ये सरप्राइज हूँ इस वीडियो का टाइटल ही सुन के। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। उससे पहले टॉप 10 हिंदी का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत के ऐसे टॉप 10 स्थान जहाँ जाने की अनुमति आपको नहीं है, खतरनाक और रहस्यमय। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। भारत के हर जिले में कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मगर हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां या तो आपको जाने की अनुमति नहीं है या उस स्थान के बारे में जानकर आप वहां स्वयं जाना नहीं चाहेंगे। चौंक गए ना? जी हां, हम अपने ही देश की बात कर रहे हैं। अपने देश के बारे में ऐसी बातें जानकर चौंकना बहुत ही सामान्य है। अगर आप भी हमेशा कुछ नई जानकारियों को पाने के इच्छुक रहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जानिए हमेशा कुछ नया और रोचक। आज हम आपको बताना चाहते हैं भारत के कुछ ऐसे ही टॉप 10 खतरनाक और रहस्यमय स्थानों के बारे में जहाँ जाने की अनुमति आपको नहीं है। 10. टनल नंबर 33, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हमारी सूची में 10वें स्थान पर है शिमला की टनल नंबर 33। शिमला तो आप जरूर गए होंगे, किंतु क्या आपने टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? शिमला जाते हुए कई टनल रास्ते में आते हैं, उन्हीं में से एक है बड़ोग की यह टनल जिसका नंबर है 33। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा भटकती है। अंग्रेजों के जमाने में कर्नल बड़ोक को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु वो इसे ठीक से निभा नहीं पाया और उसने अपने आप को गोली मार ली थी। बस तब से यहाँ कर्नल बड़ोक की आत्मा को अक्सर देखा गया है। अगली बार आप जब भी शिमला जाएं, इस स्थान पर जाने की हिम्मत ना करें। 9. गोवा बीचेस के कुछ स्थान। गोवा के कुछ बीच जहाँ जाने का आपका सपना भी सपना ही रह जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि वहाँ के कुछ स्थानों पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन बीचों के मालिकों का यह कहना है कि भारतीयों की विदेशियों को बुरी नजरों से घूरने की आदत के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। 8. डोव हिल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग को हम उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, किंतु यहाँ की एक छोटी सी हिल को अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ आए दिन कई एक्सीडेंट और मौतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच स्थान का भय और बढ़ गया है। इस हिल में मौजूद एक स्कूल को भी इन भूत प्रेत भरी गतिविधियों के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस स्थान पर एक बिना सर वाला लड़का घूमता रहता है जो लोगों का पीछा करता है। 7. यहूदी घर, पुणे। पुणे में लगभग 4,400 यहूदी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अल्पसंख्यक दर्जा दिया है। यहाँ एक यहूदी घर भी है जो कोरेगांव पार्क क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ हर समय भारतीय पुलिस का जबरदस्त पहरा रहता है। इस घर में क्या है और इस घर को इतनी सुरक्षा प्रदान क्यों की गई है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। यहाँ के यहूदी उपासना गृह में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के यहूदियों को इजराइल पैसे भेजता है। 6. जीपी ब्लॉक, मेरठ। छठे पायदान पर है मेरठ का जीपी ब्लॉक, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह एक अंग्रेज दरोगा डिसूजा की आत्मा भटकती है और ब्रेड व अंडे मांगती है। लोगों ने यहाँ एक साड़ी पहने औरत को घूमते और कुछ अन्य लोगों को भी देखा है। अब सच क्या है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु हाँ, हम आपको यहाँ ना जाने की सलाह ही देंगे। ना जाना भाई, कभी भूल के भी। 5. फ्री कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। किसी जगह पर आप भूत प्रेत आदि की वजह से ना जा पाए तो बात समझ में आती है, किंतु अगर आपको यह पता चले कि भारत में ऐसे स्थान भी हैं जहां भारतीयों को ही जाने की अनुमति नहीं है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
हिमाचल प्रदेश के कसोल नाम की जगह में एक ऐसा ही कैफे है जिसका नाम है फ्री कसोल कैफे, जहां भारतीयों को नहीं आने दिया जाता। मतलब इस कैफे में केवल इजरायलियों या अन्य विदेशी लोगों का ही स्वागत किया जाता है। हालांकि इस कैफे के मालिक इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। हमारे पहले वीडियो में भी ऐसे एक होटल के बारे में बताया गया है जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। उम्मीद है कि हमारी सरकार भविष्य में भी इस तरह के होटलों को बंद करा देगी। तो अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहेंगे? चार, नारायणपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर आए दिन सुर्खियों में रहता है और वजह रहती है पुलिस और नक्सलियों के बीच की मुठभेड़। छत्तीसगढ़ का यह एक नक्सली जिला है। अभी कल ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में चार जवान शहीद हो गए हैं। इसलिए स्थान पर जाने का विचार भी आप अपने मन से निकाल ही दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तीन, मुकेश मिल मुंबई। मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर लें। यह मिल मुंबई के NA सावंत मार्ग पर है और अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इसे 1852 में बनवाया गया था और इसमें कपड़े बनाए जाते थे। 1970 में इस मिल में आग लग गई थी, किंतु कुछ समय के बाद इसमें दोबारा कपड़ों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इसके कुछ सालों के बाद फिर से इसमें आग लगी और यह पूरी मिल जल गई। ऐसा माना जाता है कि यह मिल भूतों का डेरा है और कई लोगों ने इनका अनुभव भी किया है। अच्छा, कैसे कई लोगों ने? दो, निधिवन निकुंज वृंदावन। वृंदावन श्री कृष्ण जी का वह स्थान है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। अच्छा। वृंदावन का हर स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करता है, किंतु इसका निधिवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस निधिवन में हजारों पौधे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ रात को आने वाली आवाजों से लगता है कि यहाँ कोई असाधारण गतिविधियाँ होती हैं, जैसे असुरों से श्री कृष्ण का युद्ध और गोपियों व राधा संग रास लीला आदि। यही कारण है कि निधि वन में रात को किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अच्छा। जिस भी व्यक्ति ने रात में वहाँ रुकने और रास लीला को देखने का साहस किया है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अंधा हो जाता है या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। एक, कुलधरा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो पिछले 170 सालों से सुनसान है और खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहां के सब निवासी एक ही रात में गांव को खाली करके यहां से चले गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने स्थान को यह श्राप दिया था कि यहां कोई भी बस ना पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग इस गांव को छोड़कर गए क्यों? दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियों का वास है जिसने उन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी स्थान पर अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। इस गांव में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है जिसे दिन में तो लोग पार कर लेते हैं, किंतु रात को यहां कोई नहीं आता। इसलिए अगर आप भी यहां जाने का सोच रहे हैं तो हनुमान चालीसा याद करके जाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो खत्म, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या मतलब धांसू वीडियो थी यार, मजा आया देखकर। मतलब ये प्लेसेस है जहाँ पर आप लोगों को जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसमें मुझे सबसे ज्यादा बुरा मतलब वो लगा जो मतलब नहीं छोड़ रहे इंडियंस को, एक बीच वाले और एक वो बीच वाले मेहताब नहीं कर रहे, वो जो आते ना इंडियंस उधर। यार अब हर कोई तो नहीं होता ना, मतलब खाली इंडियन कोई बैन, मतलब अब हर कोई तो नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ना तो, लेकिन अपनी मतलब कंट्री वालों को तो नहीं बैन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता यार, अब ऐसी जगह पर किसका क्या पता कौन सी गंदी नजर। वो तो फॉरनर्स का फिर सवाल होता है, फिर वो एक कंट्री की इज्जत ही खराब होती है उसमें, ये भी चीज है यार। मुझे मतलब लेकिन थोड़ा कैफे वाला वो मुझे थोड़ा कैफे और वो नहीं मतलब अच्छा लगा। कैफे वाला काफी ऑकवर्ड था, उस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। बकाया बीच में देख, तुझे अंग्रेज तो खुले होते हैं वो, अब नंगे थोड़ी होते हैं, मतलब वो बिकनीज वगैरह में होते हैं। लेकिन यार अब जाहिर बात है, लेकिन अब इंडियंस मतलब ये तो नहीं है कि मतलब सारे ही ठरकी होते हैं, वो तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ की वजह से थोड़े हैं, लेकिन यार उनको कोई फाइन कर दो, कुछ कर दो। हाँ
यार कुछ सिस्टम लेकिन अपना यार, मतलब अपने कंट्री वाले। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो किस किस जगह पे, हर जगह में नहीं है, गोवा में ये तो नहीं हर जगह में। नहीं नहीं सिर्फ एक कुछ एक बीच जो वो जगह का नाम बताया था उधर। हाँ हाँ, तो और बकाया जो ड्रावनी जगह है यार, अब वैसे कौन कौन इस चीज को मानता है, उसको सीरियसली बंद करना चाहिए जो मतलब। लेकिन वो कितने गाग आते होंगे बेचारे, भाई फॉरनर इंडिया में कम आते भी है। और यार आप लोग बताना ड्रॉ, मतलब कि आप इन चीजों को मानते हो लेकिन भूत प्रेत को, मैं तो मानता हूँ। तू नहीं यार इतना खास नहीं कभी तुझे, लेकिन मतलब ड्रोनी जगह जाता नहीं हूँ मैं। तो क्यों नहीं जाता यार, वो तो मतलब नहीं वाला अलग चीज है, लेकिन जाला वाला अलग चीज है ना। वो मैं जाता नहीं हूँ लेकिन मैं नहीं मानता यार, मतलब थोड़ा। क्यों नहीं, जब तू नहीं मानता तो यार याद एक बार देखी थी वजह वाला बढ़ेगा यार। यार मैं वो बाबा जोगी बाबा शाबा को नहीं मानता, अलबत्ता ये होती भूत प्रेत ये चीजें होती है, क्योंकि याद है लाहौर से हम आ रहे थे तो एक बार हमने देखी थी, तूने नहीं देखी, मैंने देखी थी सर अकेले में। ओ तेरी यार, वो यार आपको फिर कभी स्टोरी सुनाएंगे बिल्कुल। और बकाया यार ये जगह काफी ड्रावनी थी, काफी खतरनाक भी थी, मतलब तो खतरनाक थी। वो जो पुलिस और उनके वो जो थे डाकू माकू जो भी उनका आपस में जो होता रहता है, वो भी जगह थी। तो आप बताएं आपको इसमें सबसे मतलब शॉकिंग कौन सा लगा है, मतलब कहीं विजिट आप कर चुके हो तो बताना, शायद एक्सपीरियंस कोई रहा हो तो बताना। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय।